केमिस्ट का रोल क्या है इंडस्ट्री में? केमिस्ट का रोल ये है क्या, टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम कोरोजन, एरोजन एंड स्केल फॉर्मेशन. ठीक है, कोरोजन, एरोजन एंड स्केल फॉर्मेशन. ठीक है. अच्छा, अब जब हम बात करते हैं भाई, वो केमिस्ट की जिम्मेदारी क्या है, क्या आप अपनी इंडस्ट्री को और का जो जो इक्विपमेंट आते हैं वो कहाँ से आते हैं? कि ये आपने 100 आप कह रहे हैं 18 माइक्रो सीमेंस का आपने पानी दे दिया, इसकी कंडक्टिविटी 118 है. ठीक है, ये पानी चला गया आपके फीड वाटर टैंक में. इस फीड वाटर टैंक के ऊपर डिएरेटर लगा हुआ है? आपके पास डिएरेटर नहीं है. इसका मतलब है अगर आपके पास डिएरेटर नहीं है तो आपके सिस्टम में डिजॉल्व गैसेस मौजूद है. हो सकती है एक होती, हो सकती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हो सकती है ऑक्सीजन. डिएरेटर का फायदा क्या है? डिएरेशन का फायदा दो चीजें होती है, एक होता है एयरेटर, एक होता है डिएरेटर. एयरेटर वो होता है कि जिसमें सिर्फ जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई होता है. ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन का प्रेशर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर होगा. यह है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल. ठीक है, और दूसरा ये अप्लाई किसमें होता है? ये होता है एयरेटर में. ये होता है एयरेटर में. जब हम डिएरेटर की बात करते हैं तो जब डिएरेटर की बात करते हैं उसमें डी लग जाता है तो इसका मतलब है इसमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो गई. फिर दो लॉ अप्लाई होते हैं, एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और दूसरा जो है वो कहलाता है हेनरी लॉ. हेनरी लॉ क्या है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. जब आप किसी चीज को कहीं पे हीट एनर्जी देंगे तो उसके अंदर जो गैसेस सॉल्युबल गैसेस होंगी उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वो वेंट से निकल जाती है. ये है डिएरेटर का फंक्शन. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ये जो है फीड वाटर टैंक है और इस फीड वाटर टैंक के अंदर डिएरेटर आप कह रहे नहीं है. ठीक है, और इस फीड वाटर टैंक के बाद आपके पास अगर फायर ट्यूब बॉयलर है तो मेरा जो ख्याल है बल्कि यकीनन आपके पास प्रॉपर कोई इकोनोमाइजर नहीं होगा. इकोनोमाइजर है सर, लेकिन चिमनी में है आपने. हाँ, तो मैंने लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया था प्रॉपर. ठीक है ना, ये आपका अगर मैं यहाँ बॉयलर बना दूँ और यहाँ से ये आपकी फ्लू गैसेस निकल रही हैं और ये फ्लू गैसेस इस स्टैक के जरिए बाहर निकल रही हैं. ऐसे निकल रही है, इस जगह किसी जगह आपने इसमें इकोनोमाइजर लगाया हुआ, ऐसे ही लगाया हुआ है. ठीक है ना, आपकी फ्लू गैसेस का टेम्परेचर कितना होता है? 180 या 200 होगा, कितना होगा? यही होगा ना, 180-200 होगा आपका इकोनोमाइजर का टेम्परेचर, फ्लू गैसेस का टेम्परेचर. पहली बात तो ये है कि इस टेम्परेचर को कभी भी 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि 150 जो है कहलाता है ड्यू पॉइंट. क्या कहलाता है? ड्यू पॉइंट. ड्यू पॉइंट किसको कहते हैं कि जहां सल्फर आपका जो फ्यूल है, अगर गैस है तो भी उसमें सल्फर होता है, अगर आप डीजल कंज्यूम करते हैं तो भी उसमें सल्फर होता है, और अगर आप फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो भी सल्फर होता है. इस फ्यूल के अंदर सल्फर होने की वजह से यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है. ये अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होगा तो इसको क्या होगा कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका सिस्टम एसिडिक हो जाएगा और आपका इक्विपमेंट क्रूड हो जाएगा. ठीक है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें करना यह है कि यह जो टेम्परेचर है ये 150 से आपका हमेशा ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, पहली बात.
दूसरी बात यह है कि ये जो स्टैक से आपकी फ्लू गैसेस निकल रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इस स्टैक से जो हमारे पास फ्लू गैसेस निकल रही हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें होने के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी आपके पास नॉक्स है, और तीसरी सॉक्स है। अब अगर सिस्टम में आप चेक करते हैं और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका मतलब है आप ज्यादती कर रहे हैं। इसका मतलब है आप कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके सिस्टम में मौजूद है, इस फ्लू गैसेस में, ये जो फ्लू गैसेस है इनमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसका मतलब है आपका जो भी फ्यूल है वो बगैर कंबशन के, बगैर जले हुए स्टैक से निकल रहा है। उसका दो नुकसान आते हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहा नुकसानदेह है इंसान के लिए, पॉइजनस है, और दूसरा नुकसान इकोनॉमिकली है कि आपके पास जो ये निकल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आपका फ्यूल पूरी तरह जला नहीं, अनबर्न फ्यूल निकल रहा है, तो भंडारा साहब को नुकसान हो रहा है, और भंडारा साहब को नुकसान होने के साथ साथ इलाके के लोगों को नुकसान हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके सिस्टम में आ रही है। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके सिस्टम में आ रही है तो क्यों आ रही है, ठीक है? तो वो क्यों आती है, वो इसलिए आती है कि जो फिनोमिना है वो ये है कि 1:11 यानी एक हिस्सा आपके पास, फर्ज कर लें आप मीथेन गैस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो गैस जो है एक हिस्सा होना चाहिए और 11 हिस्से इसके अंदर एयर होने चाहिए। ये इसका एक थ्योरेटिकल एयर, कैलकुलेटेड एयर है। थ्योरेटिकल जो कैलकुलेटेड एयर है फॉर प्रॉपर कंबशन वो क्या है, वो ये है कि एक हिस्सा आपके पास फ्यूल और 11 हिस्से आपके पास एयर, ठीक है। अब फर्ज कर लीजिए आपके पास जो इस बॉयलर के अंदर फोर्स ड्राफ्ट फैन लगा होता है, दो लगे होते हैं ना, एक फोर्स ड्राफ्ट फैन होता है, एक इंड्यूस ड्राफ्ट फैन होता है, ठीक है ना। अब अगर फोर्स, जिसको आप कहते हैं FD, फोर्स ड्राफ्ट फैन कहते हैं जिसको आप, ये फोर्स ड्राफ्ट फैन फर्ज कर लीजिए आपके पास 1450 RPM की मोटर लगी है, ठीक है, और इंड्यूस ड्राफ्ट में 3000 की लगी है, तो जाहिर है कि इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। जब इसकी ज्यादा होगी तो ये इंड्यूस ड्राफ्ट क्या करेगा, खींचेगा, सक करेगा ना, इंड्यूस्ड करेगा। जब इंड्यूस्ड करेगा तो ये जो आपकी FD फैन है, इसकी प्रोग्रेस ये होगी कि ये फ्यूल तेजी से बाहर निकल जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगी और प्रॉपर कंबशन नहीं होगा। प्रॉपर कंबशन होता कैसे, जो मैंने आपको बताया 1:11, इसके अंदर जो रेडिएशन होती है वो होती है थ्रू नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा एयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21 point something जो है ऑक्सीजन होती है, रेस्ट ऑफ दी जो है वो दूसरी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो आपका क्या हुआ कि ये पानी, ये इसमें से ये निकल गया, अनबर्न फ्यूल निकल गया। अच्छा, आप सब यहाँ पर माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो हम कैसे चेक करें, हम कैसे चेक करें कि हमारे पास आया ये जो स्टैक है, स्टैक में से हम कैसे चेक करें। इसको चेक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जी आप यहाँ से इसका सैंपल निकालें, या किसी कंपनी को बुलाएं और उससे कहेंगे जी हमें फ्लू गैसेस एनालिसिस कर दें, वो आपसे 25-30 हज़ार रुपये लेगा और फ्लू गैसेस एनालिसिस करके दे देगा कि जी आपके पानी में ऑक्सीजन इतना, फ्लू गैस में ऑक्सीजन इतना है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है, सॉक्स इतनी है, नॉक्स इतनी है, वो ये करके दे देगा आपको, ठीक है ना, आपसे पैसे ले लेगा। वो आप उसको हर रोज तो नहीं बुला सकते 25,000 रुपये देने के लिए, ऑफकोर्स आप उसको 2 महीने में बुलाएंगे, 3 महीने में बुलाएंगे, ठीक है ना। जब आप उसे 2 महीने में बुलाएंगे तो आप उसे ये कहेंगे कि भाई अब पहले तो ये टेस्ट कर दो, उसका काम क्या होगा, फ्लू गैसेस टेस्ट कर देगा। लेकिन असल काम क्या है, असल काम ये है कि जब वो टेस्ट कर दे यहाँ पर और आपको पता चले जी कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है, इसका मतलब है अनबर्न फ्यूल हो रहा है। जैसे आप कार या मोटरसाइकिल को जब चलाते हैं तो आप कहते हैं ना कच्चा धुआं फेंक रही है, आपका जो बर्नर, वो जो साइलेंसर होता है उसमें काला काला वो जम जाता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ये करते हैं कि आपको पता चला कि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है। अब जरूरी इस बात की है कि आप ये जो
1:11 आपका नहीं है, यानी एक हिस्सा फ्यूल और 11 हिस्से एयर नहीं है, 11 से कम है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको यहाँ से और पिंडी जाना है तो आपको पता चल जाता है कि जी मुझे 10 लीटर में वहाँ मैं पहुँचूँगा, तो आप क्या करते हैं, 10 लीटर नहीं डलवाते बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा डलवाते हैं एहतियात के तौर पर कि वहाँ तक पहुँच जाए, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी जो है रास्ते में खड़ी हो जाए। ठीक है, तो 1:11 तो कैलकुलेटेड एयर है, लेकिन एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सेस थ्योरेटिकल एयर। थोड़ी सी एयर को ज्यादा रखें, क्यों रखें, ताकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड ना बन सके, समझ गए। अब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बने तो कैसे नहीं बने, तो ये 11.7 यानी एक हिस्सा फ्यूल और 11.7 हिस्से क्या चीज, 11.7% क्या चीज, एयर। अब जब आपने इतनी एयर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आप मेक श्योर हो गए कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का चांस नहीं, बिल्कुल नहीं है। बट स्टिल क्या करना है हमको कि रोजाना तो ये भी आपको पैसे नहीं देंगे ना भंडारा साहब देंगे 25,000 रुपये चेक करने के, तो आपको क्या करना है, उसूली तौर पर आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर इनको चेक करना है। आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर ये खुद चेक करना चाहिए गैसेस को। अब वो कैसे चेक करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट आता है कॉमनली अवेलेबल होता है जिसको कहते हैं ऑर्सेट एपरेटस। क्या कहते हैं, ऑर्सेट एपरेटस। मैं यहां उसकी तस्वीर बना देता हूं, इस बोतल के अंदर यहां पर वाल लगा होता है, एक वाल ये है, एक ये है, एक ये है, और इसी तरह इन सब के अंदर वाल लगे हुए हैं। ठीक है, आपने फ्लू गैसेस यहाँ से इसके अंदर दाखिल की, ठीक है। पहली बोतल के अंदर है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्या चीज, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अंदर जो दूसरी बोतल है उसके अंदर क्या है, पायराग्लोल, पायराग्लोल, ठीक है। और तीसरी जो बोतल है इसके अंदर है क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। आपने फ्लू गैसेस यहां से डाली और डालने के बाद सबसे पहले पहली बोतल के अंदर ये वाला वाल बंद कर दिया, ये खोल दिया और इसके अंदर आप ले गए। ये जो बोतल है ये लेवलिंग बोतल कहलाती है, इसमें पानी भरा होता है, यहां से ये इसके साथ कनेक्ट होता है, इसको आप ऊपर नीचे करते हैं, जितनी फ्लू गैसेस आपके पास आई हुई होती है वो इसके अंदर जाती है, ठीक है। आपने 100 फ्लू गैसेस ले ली, ठीक है। लेने के बाद आपने इसको 4-6 दफा ऊपर नीचे किया, मकसद क्या है कि फ्लू गैसेस इस सॉल्यूशन के अंदर अच्छी तरह चली जाए, जब चली जाएगी तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। फर्स्ट कर लें ये आपके पास आया 88, पता चला इसके अंदर 88% क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपने इस वाले वाल को, ये वाला पहले वाल बंद था, ये वाला खोल दिया और ये वाला भी खोल दिया। अब इसके अंदर ये सेकंड बोतल में आप लेंगे, ये वाला वाल बंद कर देंगे, इस बोतल में ना जाए गैसेस, यहाँ से निकले इसमें आए और यहाँ पर आने के बाद इसी तरह उस बोतल को ऊपर नीचे करेंगे, एब्जॉर्ब कराएंगे, ठीक है। जब एब्जॉर्ब कराएंगे तो इसमें क्या चीज़ है, पैराग्लोल, ठीक है। ये पैराग्लोल क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जितनी होगी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब, जितनी ऑक्सीजन होगी एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले आपने जो सैंपल लिया था 100, उसमें से 88 तो कार्बन डाइऑक्साइड हुई थी, वो इसमें एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद आपने जब दोबारा किया तो पैराग्लोल में फर्श कर ले, इसके अंदर ये 11% कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई। अब एक रह गई,
अब ये वाला वाल्व बंद कर देंगे, अब उस गैस को ले जाएंगे इस क्यूप्रियस क्लोराइड में। अगर क्यूप्रियस क्लोराइड में आप ऊपर नीचे करते हैं और उसमें एब्जॉर्बेंस होती है, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसको नील करना है। जब आप देखते हैं कि जिसके अंदर फर्स्ट कर लें वन आ रही है, तो आपने जो ये एफडी फैन लगाया है इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे या आईडी फैन की स्पीड को कम कर देंगे, दोनों बातों में से एक बात कर लेंगे। या तो जो आप एयर दे रहे हैं उसकी मिकदार बढ़ा दें, या जो निकालने वाला आपका आईडी फैन है उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर दें ताकि अंदर प्रॉपर कंबशन प्रोसेस हो। ये तो हो गया कंबशन प्रोसेस। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो जितने लॉसेस आपके यहां पर मौजूद थे कार्बन मोनोऑक्साइड की सूरत में, अनबर्न फ्यूल, आपका फ्यूल बगैर जले बाहर जा रहा था, वो यहां रुक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा सिलसिला। यानी कि आपने अपना जो इकोनॉमिकल लॉसेस हो रहे थे, फाइनेंशियल लॉसेस जो हो रहे थे, वो आपने यहां पर खत्म कर दिए थ्रू ये एपरेटस। अगर आप अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, वैसे बाजार से खरीद के लाएंगे तो शायद जो फ्लू गैस एनालाइजर है वो 5-7-8 लाख रुपए का आता है, ये बनाएंगे मेरा ख्याल 40-30-40 हज़ार रुपए का खुद ही बन जाएगा। वुडन होता है ये, और ये इस तरह तीन इसमें बॉटल लगी हुई होती है, आसान सा मैथमेटिक्स है। अगर रोज नहीं कर सकते तो हर दूसरे दिन नहीं कर सकते तो कम से कम हर तीसरे दिन एक घंटे का ये प्रोसेस होगा, लड़का खुद कर लेगा। और जब आप चेक करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मुझे एफ डी फैन कितना चलाना है या आई डी फैन को कितना रिड्यूस करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? सही। कोई सवाल यहाँ से मुतालिक? यहाँ तक जो है सर, इसकी चेकिंग का है कि इसको आफ्टर 3 डेज और वंस इन अ वीक अगर करना है, is it necessary to continue this practice once we set the air parameter? Of course, इसको ये कहलाती है बॉयलर की ट्यूनिंग करना। क्या कहलाती है? जिस तरह गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं ना, इसको इस तरह। अच्छा, ये आप अगर 3 दिन में एक दफा करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है 8-10 दफा करने के बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, है ना। उसे फिर आप 10 दिन में एक दफा कर लें, 15 उसूली तौर पर तो आपको 38 दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक घंटे यहाँ कर रहे हैं और केमिस्ट आपके मौजूद है तो उसका काम ही यही होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका फ्लू गैस के हवाले से काम। ठीक है ना, अब आपके पास जो इकोनोमाइजर है